Good day, students. CA Jatin Bansal here. Welcome to all of you in today's session on Section 51 of the Income Tax Act. It pertains to treatment of advance money. Treatment of advance money. होता क्या है बेटा, बहुत बार आप किसी कैपिटल एसेट को, से मान लीजिए प्रॉपर्टी को, बेचने की किसी के साथ बात चलाते हैं, आपका अग्रीमेंट टू सेल हो जाता है, बयाना हो जाता है, सामने वाली पार्टी जो प्रोस्पेक्टिव बायर है वो आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन भी दे देता है, पार्ट कंसिडरेशन, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पार्टी इस डील को पूरा नहीं कर पाती, तो आप उसके द्वारा दी गई जो बयाना अमाउंट है उसको फोरफिट करने का हक रखते हैं। बेटा जब आप उसके द्वारा दी गई बयाना अमाउंट को फोरफिट कर लेते हैं तो ये कैपिटल रिसीट है। ईयर 2013-14 तक, मींस आप ये कहोगे असेसमेंट ईयर 14-15 तक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता था कि जब हम ये पैसा फोरफीट करते थे तो एट दैट मोमेंट ये इसको टैक्स नहीं करते थे। असेसी को महसूस होता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें पैसे भी मिल गए और इस पैसे के ऊपर क्या नहीं लगा, टैक्स भी नहीं लगा। लेकिन जिस साल में आप ये प्रॉपर्टी वाकई में बेचते थे, कि जिस साल में, जिस ईयर में वाकई में इस प्रॉपर्टी की डील होती थी कि ये प्रॉपर्टी बिकती थी, उस साल में बेटा ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बीच में से जितने पैसे आपने किसी इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, इस कैपिटल एसेट के रिगार्डिंग फोरफीट कर रखे हैं लोगों से, वो सारे बेटा लेस कर देते थे और जो रिड्यूस कॉस्ट आती थी उसी को बेटा ये इंडेक्सेशन वगैरह उसी की करते थे। तो ये गलत ट्रीटमेंट था जो कि हमारे देश में मेरे बच्चे असेसमेंट ईयर 2014-15 तक चलता रहा। ईयर 2015-16 में गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट करी और एक सेक्शन बनाया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंदर 56-29, जो अब ये कहता है कि जिस साल में आप ये पैसा किसी का फोरफीट करेंगे ये उस साल में आपकी इनकम मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 56-29 अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन जब कल को आप इस एसेट को, कैपिटल एसेट को बेचोगे तो अब इसको कॉस्ट से लेस करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि रीजन बीइंग जब आपने किसी के पैसे फोरफीट किए तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने उस साल में आपकी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मान लिया। अब फ्यूचर में जब कभी आप उस कैपिटल एसेट को बेचोगे तो जितने में वो कैपिटल एसेट लिया था, जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनती है, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको कैपिटल गेन्स को कंप्यूट करते समय दी जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो लो बेटा मैं अभी इसको आपको बताता हूं कि पहले क्या गलत था, वो समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे गलत था, या आप खुद समझेंगे कि हाँ ये तो गलत था भैया। देखो कैसे, मान लीजिए ये ईयर है बेटा 2001 एंड 2, जिसका CII कैपिटल जो हमने बोला था अभी आपने पढ़ा नहीं है, दैट इज इंडेक्स जो है वो 100 था। वो क्या था, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना था उसका, 100 था। और मेरे बच्चे मान के चलिए ये ईयर हम लेके चलते हैं जानबूझकर, कुछ भी ले लेते हैं, अभी अभी वाला लेते हैं 1920, एंड यहाँ पे एक ईयर हम ले लेते हैं कि दैट इज 2010 एंड 11, ये हमने ले लिया, और यहाँ पे ले लिया 2013 एंड 14, ये ले। अब होता क्या है, इसको हम यहां की बजाय भी मैं और पीछे इसको लेके चलता हूं, यहीं पे ठीक है 2010-11 यहां पे हमने ले। अब आप जानते हैं बेटा कि महंगाई जो है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंगली ये बढ़ती रही। मैं आपको इसका कि कितने कितने ये इंडेक्स रहे हैं इसके बारे में भी करवाने वाला हूं अगले टॉपिक में। अभी के लिए मैं लिख देता हूं कि 2010-11 में ये CII जो था इट वाज 167, 13-14 में बेटा इट वाज 220, महंगाई बढ़कर 220, और अभी 2019-20 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज 289। ये सिस्टम,
अब हम बात कर रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी आपने असेसी ने 1,00,000 रुपए की यहां पे क्या करी थी, बाय करी थी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी उसने बेचने की बात चलाई, कब बात चलाई, 2010-11 में। और यहां पे मान लीजिए जो डील प्राइस था जिसमें डील हुई, दैट वाज से हम लेके चलते हैं 10,00,000 रुपया, व्हाट इट, डील प्राइस वाज 10,00,000 रुपीज। और पार्टी ने जो बयाना राशि होती है, बयाना, बयाना मतलब एडवांस, बयाना का मतलब एडवांस जो पार्टी ने दे दिया तुम्हें एडवांस, वो दे दिया बेटा यहां पे 1,00,000। 1,00,000 रुपया उन्होंने यहां पे क्या दे दिया आपको, बयाना दे दिया। डील आपकी हुई बेटा कितने की, 10,00,000 की। बयाना आपको मिल गया बेटा 1,00,000, ये आपको मिल गया। एक महीने बाद पार्टी ने बैलेंस पेमेंट लेकर आना था 9,00,000 रुपीज, और वो नहीं लेकर आई, तो आपके पास ये राइट होता था कि आप ये पैसा 1,00,000 रुपया आपने क्या कर लिया बेटा, फोरफीट कर लिया। देखो आपकी प्रॉपर्टी अभी भी आपके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी आपके पास है, बट 1,00,000 रुपया आप फोरफीट कर चुके हो। तो इनकम टैक्स वाले इसको उस समय में टैक्स फ्री ट्रीट करते थे कि इट्स ए कैपिटल रिसीव, तो इसको आपके हाथों में टैक्स नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा क्या होता था, अब 2013-14 में आप, ये तो डील खत्म होगी बात, अब 2013-14 में आपने ये प्रॉपर्टी फिर बेचने की बात करी, और इस समय से मान लीजिए अब जो डील हुई है, अब जो डील हुई है वो डील हुई है बेटा मान लीजिए 15,00,000 रुपए में, और बेटा बयाना भी मिला, डील पूरी हो गई, इस बार डील कंप्लीट हो चुकी है आपकी। तो यहां पे जब कैपिटल गेन्स कंप्यूट करने की बारी आती थी, तो इट वॉज कंप्यूटेड इन दिस मैनर, लाइक फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कि कितने का बेचा आपने इसको, वो कहते इसको हमने बेचा सर 15,00,000 रुपए का, लेस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है इससे हम लेस कर देंगे बेटा, क्या लेस कर देंगे, बेचने के कुछ खर्चे, एक्सपेंसिस ऑन ट्रांसफर से मैं मान के चलता हूं बेचने के कोई खर्चे नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं कि बेचने के कोई खर्चे नहीं है, ये मान के चल रहा हूं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब बात आती थी तो ये कहते थे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में लिया, तो आप बोलते थे कि 1,00,000 रुपया मेरी इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये कहते थे कि 1,00,000 रुपया लेस जितना पैसा पहले फोरफीटेड है, और वो पहले फोरफीटर तुम्हारे केस में कितना है, 1,00,000। तो जब ये 1,00,000 लेस हो जाता था तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बची कितनी, जीरो इस केस में, तो बेटा जीरो को इंडेक्स भी करोगे तो जो जीरो से टकराएगा वो जीरो बन जाएगा, तो बेटा ये फिर नील हो गई, ये भी जीरो आ गई। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ है ही नहीं, से मान लीजिए कि आपने जैसा मकान लिया था वैसा ही बेच दिया, तो कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं है, तो ये भी जीरो। तो ले दे के बेटा 15,00,000 का 15,00,000 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो गया, और इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता था। दिस वॉज द ट्रीटमेंट। जबकि आप अगर इसको देखें कि क्या ये जो 1,00,000 रुपया सिर्फ आपको इन द ईयर 2010-11 मिला है, क्या ये 1,00,000 रुपया सीधा यहां से कॉस्ट से जो फोरफिट किया आपने ये पैसा, ये सीधा यहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से जो लेस कर दिया गया, क्या ये ठीक किया गया, ठीक आपको ठीक लगता है ट्रीटमेंट या गलत लगता है? ये गलत था बेटा। हमारे देश में टिल 2013-14 ऐसा चलता गया, प्रीवियस ईयर 13-14 तक ऐसा चलता गया, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, गॉट इट, तो वहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद लॉ चेंज हुआ, वो कहते ये तो गलत कर रहे हो सर आप, ये ट्रीटमेंट था। और बेटा अब हम बात करते हैं कि अब ट्रीटमेंट क्या है, विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2015 and 16। अब ट्रीटमेंट क्या है, नाउ द ट्रीटमेंट इज कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को बेचने की बात करी, से वही मैंने डेट ले ली यहां पे कि दिस इज 2001 and 2, एंड यहां पे कोई भी डेट अगर मैंने ले ली, जैसे मान लो जो 2016-17 में मैंने किसी पार्टी से
1,00,000 रुपया ले लिया और इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे कितनी है, 1,00,000 है। और यहाँ पे इन द ईयर 2019-20 मैंने इस एसेट को वाकई में बेच दिया एंड से दिस इज सोल्ड फॉर 20,00,000, 20,00,000 रुपए में मैंने इसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था बेटा 100 एंड यहाँ पे जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 16-17 का हमारे पास दैट वाज 264, मैं भी देख कर लिख रहा हूँ तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में देगा। 2019-20 का 289, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान दो बेटा। जब ये पैसे आपको मिले, जब ये पैसे आपने किसी के 1,00,000 रुपए की यहाँ पे बयाना हुआ और ये पैसे आपने फोरफीट कर लिए, डील पूरी नहीं हुई और फोरफीट कर लिए, तो दिस 1,00,000 रुपए विल बी टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अंडर सेक्शन 56-9। इस सेक्शन के तहत बेटा दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल, ये पैसा यहाँ पे 56-9 के तहत टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे बेटा अगले साल में कि जब 2019-20 में आपकी वाकई में डील हुई और प्रॉपर्टी 20,00,000 रुपए में बिकी, तो कैपिटल गेन ऐसे ही कंप्यूट होगा कि 20,00,000 रुपए आपकी क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मान लो एक्सपेंसिस ऑन ट्रांसफर अगेन नील, कि कोई ट्रांसफर के खर्चे नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स होनी है बेटा, मैंने बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होने के कारण से इंडेक्स होगी, और इंडेक्स सभी के लिए रफली करके बता रहा हूं कि कैसे। तो 1,00,000 रुपए की कॉस्ट है इनटू 289/100, 1,00,000 रुपए की कॉस्ट है, 289 उस साल का कैपिटल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस साल में प्रॉपर्टी बेची गई, ऑब्लिक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस साल में प्रॉपर्टी एक्वायर की गई। तो ये आप बेटा यहाँ पे वर्कआउट कर लेंगे, दिस इज 2.89 लाख, ये यहाँ पे आ जाएगा। और मान लीजिए जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो कुछ है ही नहीं, हमने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करी, तो बेटा अल्टीमेटली जो बच जाएगा दैट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि अब गवर्नमेंट क्या करती है। अब गवर्नमेंट जब 1,00,000 रुपया आप किसी पार्टी का फोरफीट करते हो तो उसको बेटा टैक्सेबल कर लेती है अंडर सेक्शन 56-9। डेफिनेटली इसको बाद में कम करने का सवाल ही नहीं उठता, गॉट इट। और जब आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो रूटीन में कैपिटल गेन्स क्या होता है, कंप्यूट होता है। मींस अगर आपने किसी का एडवांस मनी पहले लिया हुआ है तो उस एडवांस मनी का आपको कुछ भी अब नहीं करना, गॉट इट। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, तो लगे हाथ एक क्वेश्चन जो है वो भी आपको करवा देता हूँ बेटा। ये अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। अब तो इसमें बेटा अमेंडमेंट हो गई है कि जो मैंने बताया कि असेसमेंट ईयर 15-16 से, लेकिन अदरवाइज उससे पहले आप ये लेके चलो, ये एक बहुत बड़ा बवाल था ये इनकम टैक्स के अंदर कि ऐसे आप एडवांस मनी का गलत ट्रीटमेंट करते हो कि उसको लेस कर देते हो सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बीच में से। लो बेटा क्वेश्चन देखेंगे। आर परचेज अ हाउस इन दिल्ली ऑन 16 दिसंबर 2012, बंदे ने प्रॉपर्टी एक्वायर करी, कब ली, 16 दिसंबर 2012 उसने प्रॉपर्टी ली फॉर 12,00,000 रुपीज। In March 2013, कुछ दिनों बाद, he entered into an agreement to sell the property to X for a consideration of 20,00,000। 12,00,000 का प्रॉपर्टी ली, 20,00,000 रुपए का डील किसी के साथ बयाना उसने कर लिया और बदले में 2,00,000 रुपीज उसने अर्नेस्ट मनी का मतलब एडवांस मनी, मतलब बयाना मनी, ये उसने क्या कर लिया, उस पार्टी से ले ली। As per the terms of agreement, the balance amount was to be paid within 30 days. Normally ऐसे होता है property के deals में कि पैसा एक महीने दो महीने में बाकी पैसा देना है, तो इन्होंने 30 days का time रखा गया और लिखा गया if the intending purchaser doesn't make the payment within 30 days, कि अगर आप 30 days में payment नहीं करते हो तो जो आपके द्वारा दिया गया earnest money है that would be forfeited, उसको हम क्या कर लेंगे, forfeit कर लेंगे। X could not make the payment, वो आया ही नहीं बेटा पेमेंट देने के लिए within the stipulated time, तो ultimately ये पैसा R ने क्या कर लिया, forfeit कर लिया, ये पैसा was, this money was forfeited by R. बाद में property R ने फिर बेचने की बात चलाई बेटा, R sold the house to M for 25,00,000, now he has sold the property ultimately for 25,00,000, big guy. बेचने के खर्चे आए बेटा 2% खर्चे आए, तो आपको बोलता है कैपिटल गेन्स कंप्यूट कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी बिकी कितने की, 25,00,000,
लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 2% है, 2% ऑफ द 2% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितने का बेचा है, तो वो 50,000 हो गया। अब आई बात बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिंपल काम करना है बेटा इन्होंने, कौन सा कि 12 लाख के बीच में से जो 2 लाख रुपए आप पहले फोरफिट कर चुके हो वो लेस हो जाएंगे, और जो बचेगा 10 लाख ये 10 लाख लेस हो जाएंगे, और 10 लाख 50,000 लेस किया, एंड दिस इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। इन्होंने जानबूझकर जो एग्जांपल लिया बेटा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, लेकिन सही मजेदार अगर ये क्वेश्चन जो बनता है बेटा वो किससे बनता है, लॉन्ग टर्म वाले से बनता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी कि इंडेक्सेशन के समय आप सीधा ही किसको लेस कर रहे हो मेरे बच्चे। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इंडेक्सेशन, यहाँ पे तो मैंने करने की जरूरत नहीं ना पड़ी, ये कॉस्ट जीरो आई, अदरवाइज मैं यहाँ पे जो कॉस्ट लेस करता वो कौन सी लेस करता, दैट इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि 2001-2 का एसेट 2010-11 में बेचा जा रहा है, या 2001-2 का एसेट 2013-14 में बेचा जा रहा है, तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पीरियड मोर देन 24 मंथ्स, तो इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है बेटा। अगर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं या आम एसेट की बात कर रहे हैं 36 महीने, ठीक है, और उस समय प्रॉपर्टी के केस में भी इट यूज्ड टू बी 36 मंथ्स बेटा, उस समय, आप अभी के रूल्स को मत देखिए, उस समय ऐसा होता था। सो हम ये बात कर रहे हैं इस तरीके से, इसको बीच में से यहाँ पे जो बचेगी कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट, इसको हमने इंडेक्स करना है यहाँ पे, तो कुदरती ये कॉस्ट ही जीरो बची क्वेश्चन में, तो इसलिए जीरो को इंडेक्स करोगे तो भी जीरो ही आएगा, ठीक है, तो ये आपको बताना था। और अब देखो कहता जी व्हाट वुड बी योर आंसर इफ आर सोल्ड द हाउस ऑन 15th May 2019 instead of 15th May 2013 and 2 lakh was forfeited during the year 2019-20. अभी कुछ दिन पहले मैंने forfeit किए हैं वो पैसे, then what? Then आपको बोलेगा बेटा कि बेचा कितने का, 25 लाख रुपए का, expenses on transfer ये देखो इधर, तो आपकी जो cost of acquisition है बेटा, cost of acquisition देखो जितने का आपने लिया था, you purchased the house for 12 lakh, पूरे 12 लाख को ही उसने इंडेक्स किया है, 12 लाख का आपने जब लिया था इट वाज ईयर 2012 एंड 13, और 12 एंड 13 का जो CII है, जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 2012-13 के लिए, अभी बता रहा हूं आपको, दैट इज 200, कितना 200, सो 200 था, और अब आपने इसको बेचा कब है बेटा, दैट इज 15th May 2019, दैट इज ईयर 2019 एंड 20, एंड इसका इंडेक्स आपको पता है 289, तो कुछ नहीं किया बेटा, 289/200, तो इसको लेस कर दिया, जो बचा दैट इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये दिस इज योर सॉरी लॉन्ग टर्म, इट विल बी लॉन्ग टर्म, यस इट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, क्लियर। इस तरीके से मेरे बच्चे ये एडवांस मनी का ट्रीटमेंट आता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो कोई इस सेक्शन को दोहराने की जरूरत है तो मैं एक बार में दोहरा देता हूं आपके लिए कि हम पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी, कॉन्सेप्ट इज कि अगर आप किसी पहले आप क्या करते थे कि किसी का अगर कोई कैपिटल एसेट को कभी किसी को बेचने की बात चलाई और आपको क्या मिला, एग्रीमेंट टू सेल करते समय कुछ पैसा मिला था, वो पैसा आपने सामने वाली पार्टी के प्रोस्पेक्टिव बायर के मुकरने के कारण से फोरफीट कर लिया हो, वो डील पूरी नहीं हुई हो और आपने पैसे फोरफीट कर लिए हो, तो जब आप फोरफीट करते थे तब टैक्स फ्री होता था, लेकिन जब आप उस एसेट को इन रियलिटी बेचते थे तो बेटा ये क्या करते थे, उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस कर लेते थे, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2015 एंड 16, अब ये सिस्टम बड़ा स्ट्रीमलाइंड है, जब आप पैसे डील पूरी नहीं होती, किसी का बयाना मनी आप फॉरफीट करते हो, देन इट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, गॉट इट, और कल को फ्यूचर में जब एसेट बेचोगे तो पूरी आपकी जितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रूप में ली जाएगी, क्लियर, थैंक यू सो मच।